हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चौकीदार बैठे रह गए और चीन ने दोकलाम में बना ली सड़क, लाल आंखें क्यों नहीं दिखा पा रहे मोदी। पिछले कई सालों से भारत और चीन के बीच चल रहे दक्षिणी दोकलाम सीमा विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। जहां चीन भारत से लगातार बात कर रहा है, वहीं अब खबर आ रही है कि चीन ने विवादित इलाकों में सड़क निर्माण बंद कर दिया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि गतिरोध खत्म हो गया था। मगर सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि चीन ने सड़क का निर्माण कर लिया है। खबरों की माने तो भारत के दोकलाम दर्रे से ये सड़क करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है। ये सड़क चीन की सेना ने सर्दी के मौसम में ही बनानी शुरू कर दी थी, यानी चीन की सेना उस जगह से भी तो पीछे हट गई थी जहां पर भारत ने विरोध किया था। लेकिन उसने झामफेरी रिस तक पहुंचने के लिए उसके बाद भी वहां से थोड़ी दूर पर ही सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया था। झामफेरी रिस पर ही भूटान की सेना की आखिरी पोस्ट है। अभी तक इस मामले में भारतीय सेना का कोई बयान नहीं आया है। अब भी को इंतज़ार है इस बात का कहके कि सेना एक बार फिर से सड़क को रोकने की कोशिश करेगी कि नहीं, क्योंकि पिछले बार चीन ने जब भारत की पोस्ट से महज 100 मीटर की दूरी पर सड़क बनाने की कोशिश कर चुका है, मगर इस बार 100 मीटर का नहीं 4 से 5 किलोमीटर का है सड़क बनाई भी गई। और चीन और भूटान के बीच तो पहले से विवादित माना जाता है। बता दें कि भारत की तरफ से रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में दोकलाम में सड़क बनाने पर लिखित बयान देते हुए कहा था कि दोकलाम में दोनों देशों की सेना पीछे हट गई, मगर चीन उत्तरी दोकलाम में बड़ी तादाद में सैनिकों के बैरिक के और हेलीपैड तैयार कर रहा है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।